आधारित है, जैसे फर्स्ट का इलेक्ट्रिकल, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरी है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आने के लिए बच्चे आपको मिनिमम में 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो पार्टनर ऑन द कोर्सेज में। यहाँ पे बच्चे आपकी जो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसे आप समझते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या काम है, कुछ बच्चे मुझे हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो स्टूडेंट है उनका क्या काम है, कुछ बता सकते हैं? ये जिसमें बच्चे जो पावर जो जनरेट हो रही है, ये सारे बच्चे जो तो जनरेशन का काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं अपने यहाँ के स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटोल से जो हमारे यहाँ पर आज बच्चे अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ आए हुए हैं उन सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस इंस्टीट्यूशन में, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपका ये विजिट रहेगा ये अच्छा रहेगा। बेसिकली इस विजिट के दो पर्पसेस हैं, जैसा कि आप सब लोग जब हम पहले वाले पे इसको सेट करते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो वेव आती है कुछ इस तरीके से आती है क्लॉक के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें है हमारी ट्रायंगुलर, तो इस तरीके से शेप है, थर्ड साइनोसाइडल है, कुछ साइनोसाइडल आपको अगर ये मोटर हम शुरू करेंगे इसके बाद ही वाली मोटर शुरू होगी।